हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रखा था। ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट और उसके घटनाओं के बारे में स्टडी करना था। ऑप्टिक्स में हमें लाइट और उसका जो फिनोमिना है इसके बारे में स्टडी करना था। तो लाइट के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए हैं, उसका एक घटना पढ़ लिए हैं, रिफ्लेक्शंस। देखिए घटना कितना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशंस, ये सब हम लोग ऑप्टिक्स में छः छः घटना पढ़ेंगे। इसमें से तीन घटना रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, शुरुआती दौर का, यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन, और उसके बाद इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, विवर्तन, सॉरी डिफ्रैक्शंस का हिंदी होता है विवर्तन, और पोलराइजेशन, ये सब हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो मीन्स डैट रे ऑप्टिक्स का एक घटना हम लोग पढ़ लिए, तीन घटना पढ़ना था। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट घटना के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिया, रिफ्लेक्शंस होने के लिए मिरर की ज़रूरत होता था, उसी टाइप से रिफ्रेक्शंस में लेंस यूज होगा। फिर डिस्पर्सन पढ़ेंगे तो उसमें प्रिज्म यूज होगा। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो रिफ्रेक्शंस को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिफ्रेक्शन पर चलेंगे। तो हेडिंग है, देखिए, इम्पॉर्टेंट टर्म्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिफ्लेक्शन। अपवर्तन को समझने के लिए महत्वपूर्ण पद। तो पहला हम लोग देखेंगे होमोजीनियस मीडियम, समांगी माध्यम किसको कहते हैं, होमोजीनियस माध्यम किसको कहते हैं। होमो मतलब एक जैसा, हेट्रो मतलब अलग अलग। तो मीडियम दो तरह का होता है, एक होमोजीनियस मीडियम होता है और दूसरा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मीडियम होता है। तो होमोजीनियस मीडियम किसको कहते हैं, द मीडियम हुज मेटेरियल डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर आर सेम इज कॉल्ड होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम, हिंदी वाले लिखिए, समांगी माध्यम, समांगी माध्यम, वैसा माध्यम जिसका पदार्थ घनत्व, तापमान, दाब सभी समान होती है, वैसा माध्यम जिसका पदार्थ घनत्व, तापमान, दाब सभी समान होती है, उसे समांगी माध्यम कहते हैं, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। अब हेट्रोजीनियस मीडियम, असमांगी माध्यम, द मीडियम हुज मेटेरियल डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर आउट ऑफ एनी चेंजेज इज कॉल्ड होमोजीनियस मीडियम। हिंदी वाले लिखिए, वैसा माध्यम जिसका पदार्थ घनत्व, तापमान, दाब में से कोई भी बदलता है, में से कोई भी बदलता है तो उसे असमांगी माध्यम कहते हैं।
उसे असमांगी माध्यम कहते हैं। तो समझ में आ गया, होमोजीनियस मतलब सब कुछ समान रहेगा, हेट्रोजीनियस में अगर कुछ भी बदल गया जो सब लिखा हुआ है तो उसको हेट्रोजीनियस कहेंगे। बस इन दिस चैप्टर बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे ऑप्टिकल मीडियम के बारे में। तो देखते हैं ऑप्टिकल मीडियम किसको कहते हैं, प्रकाशकीय माध्यम, द मीडियम विच इज यूजफुल, द मीडियम विच इज यूजफुल फॉर ऑप्टिक्स, फॉर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम, इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। देयर आर थ्री टाइप्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। हिंदी वाले लिखिए, प्रकाशी की प्रकाशकीय माध्यम, वैसा माध्यम जिसका उपयोग प्रकाशकी के लिए किया जाता है उसे प्रकाशकीय माध्यम कहते हैं, उसे प्रकाशकीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशकीय माध्यम तीन प्रकार का होता है, प्रकाशकीय माध्यम तीन प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा, तो पहला नंबर ट्रांसपेरेंट मीडियम, पारदर्शी माध्यम, दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम, पारभासी माध्यम, तीसरा ओपेक मीडियम, अपारदर्शी माध्यम। तो पहला हम लोग देखेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम किसको कहते हैं, द मीडियम इन विच बीम ऑफ लाइट ट्रांसमिट्स कंप्लीटली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। फिर से सुनना है, द मीडियम इन विच बीम ऑफ लाइट ट्रांसमिट्स कंप्लीटली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। वैसा माध्यम, हिंदी वाले पारदर्शी माध्यम देखे डैश लगाओ, लिखिए वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश पुंज पूर्णतः गुजर जाती है, पूर्णतः गुजर जाती है, तो ऐसे माध्यम को, ऐसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे लोहा ले लो, आयरन ले लो, उस पर टॉर्च जलाओ, क्या रोशनी लोहे को छेद करके पार कर जाता है? नहीं। इसका मतलब लोहा ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, इसका मतलब लोहा ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है। अगर शीशा है, कांच है, कांच का एक स्लैब है, उसमें टॉर्च जलाओ पार कर जाता है रोशनी, इसका मतलब वो कांच ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें आर पार दिख जाता है। दिखेगा कब, जब लाइट पास करेगा तभी तो दिखेगा, तो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाता है।
अब दूसरा ट्रांसलूसेंट मीडियम, पारभासी माध्यम, इसमें थोड़ा बहुत पास करता है। द मीडियम इन विच बीम ऑफ लाइट ट्रांसमिट्स पार्शियली, थोड़ा सा, इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम। हिंदी वाले दूसरा नंबर लिखिए, पारभासी माध्यम, पारभासी माध्यम, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश पुंज आंशिक रूप से गुजरती है, उसे पारभासी माध्यम कहते हैं, उसे पारभासी माध्यम कहते हैं। तुम जिस कॉपी में लिखते हो उस कॉपी का एक पेज उठाओ, उसके ऊपर टॉर्च जलाओ, देखना कुछ रोशनी पेपर को पार कर जाता है। तो उस समय उसको हम लोग, यानी पार्शियली बीम ऑफ लाइट उससे पास हो गया, आंशिक रूप से बीम ऑफ लाइट पास हो गया, इसका मतलब वह पेपर जो है, वह पेपर को तुम पारभासी माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम कह सकते हो। अब नेक्स्ट, ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम, अपारदर्शी माध्यम, नाम से ही डिफिनेशन पता चल रहा है, जिसमें लाइट पास नहीं करता है। जैसे आयरन पर तुम टॉर्च जलाओ तो लाइट पास नहीं करता है, तो आयरन कैसा मीडियम है? अपारदर्शी माध्यम है, ओपेक मीडियम है। द मीडियम इन विच बीम ऑफ लाइट, द मीडियम इन विच बीम ऑफ लाइट डज नॉट ट्रांसमिट, बीम ऑफ लाइट डज नॉट ट्रांसमिट, इज कॉल्ड ओपेक मीडियम, इज कॉल्ड ओपेक मीडियम। हिंदी वाले लिखिए, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश पुंज नहीं गुजरता है, नहीं गुजरता है, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो इसको नोट करो, फिर और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव मतलब होता है सापेक्षिक, किसी के सापेक्ष में जो डेंसिटी होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। तो देखिए, व्हेन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एनी मीडियम इज एक्सप्रेस्ड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। हिंदी वाले लिखेंगे, सापेक्षिक घनत्व, जब किसी माध्यम
का प्रकाशी घनत्व प्रकाशकीय घनत्व जब किसी माध्यम का प्रकाशकीय घनत्व दूसरे माध्यम के सापेक्ष बताया जाता है तो उसे सापेक्षिक घनत्व कहते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे अब देखते हैं रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम किसको कहते हैं। तो लिखिए रेयर मीडियम द मीडियम इन विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज लेस देन अदर मीडियम देन इट इज कॉल्ड रेयर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। हिंदी वाले विरल माध्यम वैसा पारदर्शी माध्यम जिसमें दूसरे पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष अणुओं की संख्या कम होता है उसे या उस पारदर्शी माध्यम को दूसरे पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम या प्रकाशकीय विरल माध्यम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डेंसर मीडियम सघन माध्यम द ट्रांसपेरेंट लिख सकते हो यहाँ पे नेत अंडरस्टूड है ऑप्टिक्स में सारा ट्रांसफर मीडियम ही पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन में। द ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन अदर मीडियम इज कॉल्ड डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। हिंदी वाले सघन माध्यम
वैसा पारदर्शी माध्यम जिसमें अणुओं की संख्या दूसरे पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष अधिक होता है, तब उसे या तब उस पारदर्शी माध्यम को तब उस पारदर्शी माध्यम को दूसरे पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष प्रकाशकीय संघनन माध्यम या संघनन माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूं तुमको, एक पॉट ले लो, बर्तन पहले ले रहे हैं, इसमें एयर एंड, क्योंकि दो मीडियम चाहिए तभी डिफाइन होगा, एंड वाटर, हवा गैस है, गैस की मॉलिकुलर डेंसिटी कम होता है, सबसे ज्यादा मॉलिकुलर डेंसिटी सॉलिड में होता है। आप प्रॉपर्टीज ऑफ मीटर 11th क्लास में चैप्टर नंबर 11th में पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मीटर, उससे आपको जानकारी होगा कि सबसे ज्यादा मॉलिकुलर डेंसिटी सॉलिड में होता है, ठोस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, और सबसे कम गैस में होता है। मॉलिकुलर डेंसिटी यानी यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम ले लो सॉलिड का, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिनो, वो उसका मॉलिकुलर डेंसिटी कहलाएगा। फिर लिक्विड का यूनिट वॉल्यूम लो, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिनो, वो लिक्विड का मॉलिक्यूलर डेंसिटी कहलाएगा। यूनिट वॉल्यूम लो गैस का मॉलिक्यूल्स गिनो, वो गैस के लिए मॉलिक्यूलर डेंसिटी कहलाएगा। तो यूनिट वॉल्यूम में, यानी कहने का मतलब मॉलिक्यूलर डेंसिटी ज्यादा, मतलब उसका उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा तो मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, जिसको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं हम लोग। तो ज्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, एक दूसरे से एकदम इंटरैक्ट होकर के रहेगा, जिसमें जिसका मॉलिकुलर डेंसिटी कम होगा तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स भी कम लगेगा, जिसका मॉलिकुलर डेंसिटी सबसे कम होगा गैस का
उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स भी सबसे कम होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल्स को बेंड करके रखता है। जैसे एयर का बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जो इंट्रैक्शन है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण। सॉलिड में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होता है, इसलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग लगता है उस पर। उसको तुम अगर प्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे, दबाने की कोशिश करोगे, दबेगा नहीं, क्योंकि उसका इंटर उसमें इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो लग रहा है ना, काफी स्ट्रांग लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसमें मॉलिकुल्स ज्यादा है, यानी मॉलिकुलर डेंसिटी उसमें ज्यादा है। सॉलिड का मॉलिकुलर डेंसिटी ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ मॉलिकुल्स पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा है, इसीलिए उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बेंड है, एकदम बंधा हुआ है, जल्दी से भागता नहीं है। एक लोहा ले लो, उसको प्रेस करो, दबेगा तुमसे नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूलर डेंसिटी ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें ज्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा लगेगा। पानी ले लो, उसको दबाओ, दब जाएगा उसके रिस्पेक्ट में जल्दी से। गैस ले लो और आसानी से दब जाएगा। इसका मतलब गैस में मॉलिक्यूल्स कम होता है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम होता है। लिक्विड में मॉलिक्यूलर डेंसिटी गैस से ज़्यादा होता है और सॉलिड में उससे भी ज़्यादा होता है। तो गैस में इसीलिए कम दिखाए मॉलिक्यूल्स। ये तुम्हारा एयर हो गया, और ले लो ये वाटर। जल, इसमें मॉलिक्यूल्स कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें मॉलिक्यूल्स कम है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लगेगा कम लगेगा, लेस और इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा लेस से अच्छा होगा, वीक वीक लगेगा, कमजोर। इसमें स्ट्रांग लगेगा, तो स्ट्रांग लगेगा इसका मतलब मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, मॉलिक्यूलर डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब यह डेंसर होगा। किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो एयर यहां पर, ये जो एयर है और ये जो वाटर है, तो यहां पर ये इसके रिस्पेक्ट में ऑप्टिकली रेयर हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में ये ऑप्टिकली डेंसर हो गया, यानी प्रकाशकीय विरल, प्रकाशकीय सघन। हवा है, जल है, यहां पर मॉलिक्यूल्स कलर डेंसिटी कम है, यहां पर मॉलिकुलर डेंसिटी ज्यादा है, जिसके कारण से स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग इंटरमॉलिकुलर फोर्स लगेगा, यहां पर वीक इंटरमॉलिकुलर फोर्स लगेगा। तो वीक लगेगा, तो ये रेयर हो गया। क्यों? काहे कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं,
दूसरा एग्जांपल ले लिए वाटर एंड ग्लास। वाटर लिक्विड है ये तुम्हारा वाटर हो गया, ये तुम्हारा ग्लास हो गया। इसमें एकदम ग्लास में काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूलर डेंसिटी इसका ज्यादा होगा चूंकि ये सॉलिड है, चूंकि ये सॉलिड है, सॉलिड में ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, इसी वजह से अगर उसको प्रेस करोगे जल्दी दबेगा नहीं, उसके रिस्पेक्ट में वाटर को दबाओगे जल्दी दब जाएगा, यानी इससे कम यानी यहां पर वीक हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा और यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा? वो स्ट्रांग होगा। इसका मतलब इस केस में यह ऑप्टिकली रेयर हो गया, यह इस केस में ऑप्टिकली डेंसर हो गया। तो सर यहां पर वाटर डेंसर मीडियम था लेकिन यहां पर वाटर रेयर हो गया, अजीबो गरीब वाला बात हो गया। डिफिनेशन देखिए रेयर मीडियम का क्या था, वैसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या दूसरे मीडियम के सापेक्ष कम होता है। देखिए वैसा पारदर्शी माध्यम जिसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या दूसरे माध्यम दूसरे माध्यम के सापेक्ष कम होता है तो कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेयर मीडियम कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन डेंसर का चलिए, द ट्रांसपेरेंट मीडियम, वैसा ट्रांसपेरेंट मीडियम, डेंसर को बताना या इधर यहां से यहीं से बता रहे हैं, वैसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या दूसरे जिसमें मॉलिक्यूल्स की संख्या दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के सापेक्ष अधिक होता है तो उसे विरल माध्यम कहते हैं, सॉरी सघन माध्यम कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशंस हम लोगों ने जो ये एग्जाम्पल दिया ये सही है, लेकिन इसको जब गौर से देखते हैं तो वाटर कहीं पर डेंसर है तो कहीं पर वाटर रेयर है, आखिर क्या बात है? तो उसका कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ रेयर एंड डेंसर मीडियम। विरल एवं संघन माध्यम की धारणा, क्या कॉन्सेप्ट है विरल और संघन माध्यम की, इस पर चर्चा करते हैं। कहता है नो मीडियम इज रेयर, कोई भी माध्यम रेयर नहीं होता है, एंड नो मीडियम इज डेंसर, कोई भी मीडियम डेंसर भी नहीं होता है, ऑल मीडियम इज रेयर, सभी मीडियम रेयर है, एंड ऑल मीडियम इज डेंसर, तो सभी मीडियम डेंसर है, सभी रेयर है तो
सभी डेंसर है, ये कौन सा बात है? इट इज बिकॉज, यह इसलिए कि रेयर एंड डेंसर आर रिलेटिव टर्म टू इच अदर। रेयर और डेंसर रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बताया जाता है कि इसके रिस्पेक्ट में वो रेयर है और इसके रिस्पेक्ट में वो डेंसर है। यानी कहने का मेरा मतलब, इट इज द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ वन टू अदर मीडियम, यह एक और दूसरे मीडियम का मिलाजुला गुण है। एक मीडियम को नहीं बता सकते हैं कि यह रेयर है या डेंसर है। जब भी बताना होगा तुम्हें दो मीडियम चाहिए, नहीं काहे, यह रिलेटिव टर्म है, सापेक्षिक टर्म है। किसी के सापेक्ष में कोई रेयर होता है तो किसी के सापेक्ष में कोई मीडियम डेंसर होता है, किसी मीडियम के सापेक्ष कोई मीडियम रेयर होता है तो कोई किसी मीडियम के सापेक्ष कोई मीडियम डेंसर होता है। समझ में नहीं आया, समझाते हैं। पूछेंगे तुम गरीब हो कि अमीर हो, तुम गरीब हो या अमीर हो, सोच के बताना। किसी ने कहा गरीब है, चलो मेरे रिस्पेक्ट में तुम गरीब हो। वो जो रोड पर भीख मांगता है वो तुमको क्या कहेगा, गरीब कहेगा कि अमीर कहेगा? तो अमीर है। लेकिन मुकेश अंबानी के सामने तुम जाते हो, तुमको तुम क्या कहोगे, हम गरीब हैं। लेकिन उस भिखारी के सामने जाते हो, तुमको तुम क्या कहोगे, हम अमीर हैं। यानी तुम ही हो, कभी गरीब होता है तो कभी अमीर होता है। इसका मतलब है गरीबी और अमीरी भी रिलेटिव टर्म है। कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सभी गरीब है तो सभी अमीर है। गरीबी और अमीरी बताने के लिए किसके रिस्पेक्ट में बताना है उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे उसके हिसाब से आंसर होगा। नहीं तो रिलेटिव टर्म का और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे गरीब अमीर, छोटा बड़ा, लंबा नाटा। कोई कहता है तुम लंबे हो कि नाटे हो, पटाख से सामने वाला मापता है, कहता है लंबा, उसको लेके चले गए किसी और लंबा के बात, कहता है हम तो नाटा है, नहीं समझे? तो ये सब रिलेटिव टर्म है। उसी टाइप से रेयर और डेंसर भी रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे के सापेक्ष में बताया जाता है कि कौन रेयर है और कौन डेंसर है। अकेला नहीं कह सकते हैं, कितने आदमी पूछेंगे आंसर दे देता है फटाक से, पूछते हैं तुम गरीब हो, या पूछ देंगे तुम लंबा हो या नाटा हो, तुरंत कह देता है नाटा, तुरंत कह देता है लंबा है हम। नहीं हुआ, किसके किसी के रिस्पेक्ट में वो लंबा है। जैसे हम पूछे तो मेरे रिस्पेक्ट में अगर छोटा है तो वो नाटा बोल देगा, मेरे रिस्पेक्ट में अगर लंबा है तो वो लंबा बोल देता है। यानी वो किसी के रिस्पेक्ट में ही ऐसे शब्द को बताया जाता है। उसी टाइप से कौन रेयर है और कौन डेंसर है, ये अकेले नहीं कह सकते हैं, इसको किसी के रिस्पेक्ट में ही बताया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में तुमने देखा कि वाटर इन दिस सिचुएशंस, एयर और वाटर जब लिए तो वाटर आपका डेंसर मीडियम का ला गया, काहे एयर के रिस्पेक्ट में ये ज़्यादा डेंस था, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स था इसमें, ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स लग रहा था, और यहाँ ग्लास के रिस्पेक्ट में ये रेयर हो गया। यानी पर्टिकुलर कोई रेयर नहीं होता है, पर्टिकुलर कोई डेंसर नहीं होता है, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेयर होता है या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डेंसर होता है। पर्टिकुलर कोई गरीब नहीं होता है, कोई अमीर नहीं होता है, किसी के रिस्पेक्ट में कोई गरीब होता है तो किसी के रिस्पेक्ट में कोई अमीर होता है। तो इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट लिखे हैं, जो कहीं बुक में जल्दी नहीं मिलेगा, सिंपल बुक में। नो मीडियम इज रेयर, कोई भी मीडियम रेयर नहीं होता है, एंड नो मीडियम इज डेंसर, कोई भी मीडियम डेंसर नहीं होता है। ऑल मीडियम इज रेयर, सभी मीडियम रेयर होता है, एंड ऑल मीडियम इज डेंसर, सभी डेंसर होता है। कोई गरीब नहीं होता है तो कोई अमीर नहीं होता है,
सभी गरीब होता है, नहीं तो सभी अमीर होता है। कोई नाटा नहीं होता, कोई लंबा नहीं होता, सभी लंबा होता है, नहीं तो सभी नाटा होता है। इट इज बिकाउज रेयर एंड डेंसर, यह इसलिए कि रेयर और डेंसर आर रिलेटिव टर्म्स टू इच अदर। रेयर और डेंसर एक दूसरे का सापेक्षिक शब्द है या सापेक्षिक होता है। इट इज द कंबाइंड प्रॉपर्टी, यह मिला जुला गुण है वन टू अदर मीडियम, एक और दूसरे मीडियम का मिला जुला गुण है। आई होप तुमने अच्छे से समझ रखा है रेयर और डेंसर मीडियम को। अच्छे अच्छे लोगों को इसका कॉन्सेप्ट नहीं रहता है ठीक से। देखिए लिख लीजिए तब फिर बनाना एग्जाम्पल। विरल एवं संघन माध्यम की धारणा, लिखिए कोई भी माध्यम विरल नहीं होता है कोमा, कोई भी माध्यम सघन नहीं होता है, सभी माध्यम विरल होता है, एवं सभी माध्यम संघन होता है। विरल एवं संघन एक दूसरे माध्यम का सापेक्षिक शब्द होता है। इसलिए इसे किसी माध्यम के सापेक्ष ही बताया जा सकता है। यह पहला एवं दूसरा माध्यम का मिला जुला गुण होता है, मिला जुला गुण होता है। चलो फिगर नोट करो, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइट का जो ये दूसरा फिनोमिना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके बारे में अब हम लोग सोचते हैं। बहुत सोचा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, काफी मास्टर हो गए हैं अब हम लोग। अब हम लोग रिफ्रैक्शंस को देखेंगे, रिफ्रैक्शंस क्या है। देखिए रिफ्रैक्शंस क्या है, एक रेयर मीडियम लिए, दूसरा डेंसर मीडियम है। मानो अगर ये एयर है तो ये वाटर है, डेंसर मीडियम को दिखाए हैं। संघन माध्यम और ये क्या है, विरल माध्यम है। जब
मान के चलो कुछ ऐसे, हवा से टॉर्च जलाओगे पानी में, किसमें? हवा से टॉर्च जलाओगे पानी में, तो टॉर्च का रोशनी अगर इस तरह से दें तो इधर जाना चाहिए, ये है इसका ओरिजिनल पाथ। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होकर थोड़ा मुड़ जाता है, थोड़ा मुड़ जाता है, ये नॉर्मल है। ये क्या है? नॉर्मल। यानी रे जब रेयर से डेंसर में जाता है तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाता है। रेयर समझ रहे हो, जहां मॉलिक्यूल्स कम है, जहां ज्यादा मॉलिक्यूल्स है वो डेंसर है, जहां कम है वो रेयर है। ऐसा क्यों होता है तनिक सोचो। एक प्लेन रोड है पूरा चिकना, एक है डेंसर रोड बालू। यानी तुम गाड़ी चलाते जो प्लेन रोड पर और अचानक बालू वाला जमीन आ गया, अचानक बालू वाला जमीन आ गया, तो ये रे लाइट जो है ना छोटे छोटे कॉर्पस्कुलर से मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। अभी यही हम लोग समझते हैं, बाद में ये वेब भी है, ये बहुत सारा नेचर है, ड्यूअल नेचर भी है, बहुत डिस्कशंस है, सब आएगा टाइम तो बताएंगे। तो मान के चलिए ये जो पार्टिकल है, थोड़ा जूम कर दिए, इतना बड़का पार्टिकल आ गया, तीर चले इसे स्पीड दोनों, ये चक्का है ये भी चक्का है, इसको गाड़ी समझ लो, चले 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 ये चक्का जाम कर गया, इसका स्पीड घटा इसका बढ़ गया तो मुड़ जाएगा। रे को हमेशा गाड़ी की तरह सोचो, जूम करके देखो, ऐसे आ रहा है, आने दो आने दो आने दो, अचानक ये चक्का यहाँ जाम किया, स्पीड घटेगा इसका, स्पीड इसका घट जाएगा, जैसे रेयर से डेंसर में गया घट गया, इधर वाला का तो अभी नहीं घटा है, इसलिए ये थोड़ा मुड़ जाता है। जब डेंसर से रेयर में जाएगा, देखो गाड़ी चलाओ, अभी दोनों चक्का जाम में था, सीधा चल रहा, अचानक ये पक्की रोड पे चला गया, तो ये स्पीड पकड़ लेगा, ये इसका स्पीड कम में रहेगा तो ये मुड़ जाएगा। समझ में आ गया? यानी तुमने देखा एकदम गाड़ी की तरह ही ये बिहेव कर रहा है, बट है ही नहीं ये गाड़ी, लेकिन उसी की तरह तुम सोच सकते हो। याद रहेगा, बहुत बच्चा कन्फ्यूज होता है कि रेयर से डेंसर में जाएगा तो किधर जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा तो किधर जाएगा। तुम किधर जाएगा उसके लिए डिसाइड करो, एक गाड़ी चला दो, जाम किया इसका मतलब मुड़ जाएगा। यानी रेयर से जब डेंसर में जाएगा तो क्या हो रहा था, वेलोसिटी घट जा रहा था, वेलोसिटी घट जा रहा था, जिसके कारण यह नॉर्मल की ओर झुक गया। इसलिए जिसके कारण यह नॉर्मल की ओर झुक गया, जब डेंसर से रेयर में गया तो गाड़ी में स्पीड पकड़ लिया ये चक्का, ये अभी जाम ही है इसलिए नॉर्मल से दूर भागा। यानी डेंसर से जब रेयर में जाते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड इनक्रीज करता है, जिसके कारण इसका स्पीड बढ़ा और ये भी जाम में ही है, तब तक ये मुड़ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये जो मुड़ने वाली घटना है कहाँ पर मुड़ता है? इंटरफेस, दो मीडियम का जो सतह है, दो माध्यम का जो सतह है, इंटरफेस है, इसी जगह मुड़ता है। दो माध्यम का जो सतह है इसी जगह मुड़ता है। क्या आपको बताए थे होमोजीनियस मीडियम और हेट्रोजीनियस मीडियम? क्या है होमोजीनियस मीडियम में ऐसा हो सकता है? एक ही जैसा माध्यम है, मान के चलो यहां से यहां तक वाटर ही है, तो ये सीधे चला जाएगा, जो दोनों चक्का कोई भी फ्री नहीं हो रहा या कोई भी जाम नहीं हो रहा, सीधा आएगा। इसलिए होमोजीनियस मीडियम में रिफ्रैक्शंस पॉसिबल नहीं है, रिफ्रैक्शंस तभी होगा जब हेट्रोजीनियस मीडियम होगा। जब हेट्रोजीनियस मीडियम होगा तभी रिफ्रैक्शंस पॉसिबल होगा, होमोजीनियस मीडियम में रिफ्रैक्शंस पॉसिबल नहीं होगा। यानी कहने का मेरा मतलब, हेट्रोजीनियस मीडियम मतलब दो मीडियम या दो से अधिक मीडियम रहेगा तभी रिफ्रैक्शंस पॉसिबल होगा, अपवर्तन पॉसिबल होगा,
अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पहले रिफ्लेक्शन था, अब रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं, स्पेलिंग में अंतर है। तो अब तुम्हें याद नहीं करना है किधर मुड़ेगा और किधर नहीं मुड़ेगा, तुम गाड़ी चला के देख लो, जो चक्का जाम किया इसका मतलब मुड़ेगा, अगर चक्का स्पीड पकड़ लिया इसका मतलब मुड़ेगा, सॉरी इसका चक्का अगर जाम कर गया तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा, अगर इस चक्का में स्पीड पकड़ लिया तो नॉर्मल से दूर जाएगा। यानी अब तुम जो एग्जांपल दिए हम, इस एग्जांपल के सहायता से तुम यह याद रख सकते हो, समझ गए तुम कि कौन से मीडियम से में से किस में जाएगा तो रे किधर मुड़ेगा। तो रेयर से जब डेंसर में जाएगा तो जाम करेगा, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगा, डेंसर से रेयर में जाएगा नॉर्मल से दूर भाग जाएगा। अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो सीधे चला जाएगा, यानी रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं। अब देखिए क्यों मुड़ा, क्यों मुड़ा या रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, मुड़ा जो इसी घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं, ये जो मुड़ गया इसी घटना को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये क्यों मुड़ गया, काहे रेयर से जब डेंसर में गए थे स्पीड घटा, जब डेंसर से रेयर में गए थे स्पीड बढ़ा, इसीलिए ये नॉर्मल से दूर भाग गया और ये नॉर्मल से की ओर झुक गया। सब बात तुम्हें दिमाग में सेटअप हो गया। तो यही जो नॉर्मल की ओर झुक जाता है, जो नॉर्मल से दूर भागता है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, या तो नॉर्मल की ओर झुक जाता है या नॉर्मल से दूर भागता है, इसी घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो दो दो डिफिनेशन लिखे हैं, देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन, द बेंडिंग फिनोमिना ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो माध्यम के सतह पर प्रकाश की मुड़ने की घटना को, दो माध्यम के सतह पर ही मुड़ता है, दो माध्यम के सतह पर प्रकाश की मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह इसका दूसरा डिफिनेशन देखिए, व्हेन द रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण गोज जाता है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जिसमें लाइट पास कर जाता है उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। जब प्रकाश की किरण एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है, देन तब रे ऑफ लाइट प्रकाश की किरण बेंड मुड़ती है टुवार्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल की ओर या नॉर्मल से दूर। देन तब दिस फिनोमिना, यह घटना इज कॉल्ड, कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी वाले सेकेंड डेफिनेशन का हिंदी लिखिए, फर्स्ट सेकेंड ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए लिखिए, याद दे दो और लिखो। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर
झुकती हुई गुजर जाती है अभिलंब की ओर, झुकती हुई गुजर जाती है या अभिलंब से दूर फैलती हुई गुजर जाती है। प्रकाश के ऐसे घटनाओं को, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मैंने ये दोनों फिगर समझा रखा है, अब एक फिगर और बनाए हैं। ये दोनों फिगर एक ही में सेट है, मानो ऐसा सी नंबर में। पहला मीडियम रेयर है, दूसरा डेंसर है, फिर रेयर है। ऑब्वियसली है, रे आया, ये नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, जाना चाहिए एकदम सीधे, नहीं जाएगा। रेयर से आया डेंसर में, स्पीड घटेगा, यानी पक्की सड़क से बालू में घुसे, स्पीड घटा, घटेगा तो नॉर्मल की ओर मुड़ गया। अब बालू से चक्का ये निकला, बालू से चक्का निकला, स्पीड बढ़ गया, इसलिए यह नॉर्मल, दूसरा नॉर्मल है, जाना चाहिए था इसको इधर, इधर ना जाके नॉर्मल से दूर भाग गई। यानी रिफ्रैक्शंस क्यों हो रहा है, क्या आंसर है? कोई पूछेगा रे, व्हाट इज द काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शंस का क्या कारण है? तो क्या होगा, स्पीड चेंज कर रहा है। अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। तो देखो, रेयर से डेंसर में जाएगा तो स्पीड घट रहा है, जाम कर रहा है चक्का, इसीलिए नॉर्मल की ओर मुड़ रहा है। डेंसर से रेयर में जाएगा, यानी पक्की सड़क से, सॉरी, बालू वाले से पक्की सड़क पर जाएगा तो स्पीड बढ़ जाएगा एक चक्का का, दूसरा जाम में ही रहेगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। समझ गया, आई होप। अब इस फिगर के बाद एक्सप्लेनेशन लिखे हैं। व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, then velocity of light decreases. Then, देखना, when ray of light goes from rare to denser medium, then velocity of light decreases, due to which ray bends towards the normal. If ray of light goes from denser to rare medium, then velocity of light increases. Velocity of light increases, due to which ray bends away from the normal. It is the original path of light. But rare to denser गया, original से मुड़ गया normal की ओर, rare से डेंसर से रेयर में आया, इसलिए ओरिजिनल जो पाथ है उससे दूर चला गया, यानी नॉर्मल से दूर चला गया। हिंदी लिख लो इसका। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की वेग घटती है, जिसके कारण किरणें अभिलंब की ओर झुकती हुई गुजर जाती है, अगर प्रकाश की किरण संघन माध्यम से
विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की वेग बढ़ जाती है जिसके कारण नॉर्मल से दूर भागती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी मैंने ट्रिक्स दिया था कि रे आएगा किधर जाएगा पहले डिसाइड नहीं होता है, बताया था पहले नॉर्मल ड्रॉ करो, जो एंगल बनाया उतने एंगल से जाएगा। उसी तरह से कभी भी अपने मन से रे इधर आया इसे मोड़ नहीं देना है, पहले नॉर्मल ड्रॉ करना है, यहाँ पर किधर जाएगा गाड़ी चला के देखना। और मीडियम रेयर, जो रेयर अगर कहीं है तो इसको तुम समझना, केवल दूसरे को नहीं बताना, तुम समझना एकदम पक्की रोड है, डेंसर यानी सघन रहेगा तो तुम समझना कच्ची या बालू वाला रोड आ गया, तो तुम देखो रेयर है मतलब पक्की सड़क है, स्पीड एकदम बरकरार है, बालू में आ गया चक्का फंसा मुड़ गया, बालुए में चल रहा है दोनों सीधे चल रहा है, अचानक इसको पक्की रोड मिल गया, यहाँ पर मिस्टेक है, ऊपर ये डेंसर नीचे रेयर, अचानक डेंसर है मतलब बालू वाला रोड है, चल रहा है अचानक रेयर में घुसेंगे यानी पक्की सड़क आ गया, ये चक्का के स्पीड बढ़ जाएगा मुड़ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? और अपने समझ में आएगा पक्की रोड पर यानी रेयर मीडियम में जाएगा तो पक्की रोड तो स्पीड बढ़ेगा, डेंसर में जाएगा तो बालू वाला रोड मतलब स्पीड घटेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा रेयर है, ये कैसे पता चलेगा? क्या सर उसकी डेंसिटी से पता चल जाएगा कि कौन सा मीडियम रेयर है और कौन सा डेंसर है? तो ऑप्टिकल डेंसिटी से पता चलता है। कैसे पता चलता है? ऑप्टिकल डेंसिटी से, केवल डेंसिटी से नहीं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कांच ले लो और थर्मोकॉल ले लो, सेम साइज का और उठाओ, तो अब इसलिए कांच भारी होगा मतलब कांच की डेंसिटी ज़्यादा होगा और थर्मोकॉल का डेंसिटी कम होगा, तो लाइट कांच में पास होगा थर्मोकॉल में, तो आंसर क्या है? कांच में, यानी डेंसिटी कांच का ज़्यादा है थर्मोकॉल से, तब फिर भी लाइट पास हुआ उसमें, इसलिए बच्चा पार्टी डेंसिटी से आप रेयर डेंसर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी जिसका ज़्यादा कम होगा वो रेयर होगा, जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगा वो डेंसर होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से तुम इसको उतार सकते हो, उतारो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो किसके कारण होता है,
क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वेलोसिटी चेंज करता है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। डिक्रीज करता है तो नॉर्मल की ओर झुकता है, इंक्रीज करता है तो नॉर्मल से दूर भागता है। इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम इज द काउज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वही बात लिखे हैं, द वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेज इन डिफरेंट मीडियम विच इज द काउज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखिए हिंदी वाले, विभिन्न माध्यम में या अलग अलग माध्यम में प्रकाश की वेग बदलता है, इसी कारण अपवर्तन होता है, इसी कारण अपवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि अपवर्तन के कारण प्रकाश का वेग बदलता है, गलत बात। अपवर्तन के कारण प्रकाश का वेग बदलता है, यह गलत बात। प्रकाश के वेग बदलने के कारण, प्रकाश के वेवलेंथ बदलने के कारण, प्रकाश के फिर ये प्रकाश के इंटेंसिटी बदलने के कारण, प्रकाश के एम्पलीट्यूड बदलने के कारण रिफ्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं सोच लेना कि रिफ्रैक्शन के कारण प्रकाश का वेग बदलता है, ये गलत। रिफ्रैक्शंस के कारण प्रकाश का वेग नहीं बदलता है, प्रकाश के वेग बदलने के कारण ही तो रिफ्रैक्शन होता है। वही जो वेग बदला तो मुड़ गया, इसीलिए मुड़ा, उसी का नाम तो रखा है रिफ्रैक्शंस। क्यों मुड़ा? रिफ्रैक्शंस को गोली मारो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भेजे तो मुड़ा या दूर गया। वही जो मुड़ता दूर मुड़ जाए या दूर चला जाता है रे, उसी को ना रिफ्रैक्शंस कहे। रिफ्रैक्शंस तो एक नाम रखे कि जो रे मुड़ता है या उससे दूर जाता है। इसलिए रिफ्रैक्शन के कारण प्रकाश का वेग नहीं बदलता है, प्रकाश के वेग बदलने के कारण रिफ्रैक्शंस होता है, प्रकाश के एम्पलीट्यूड बदलने के कारण रिफ्रैक्शंस होता है, प्रकाश की इंटेंसिटी बदलने के कारण रिफ्रैक्शंस होता है, प्रकाश के वेवलेंथ बदलने के कारण। सब एक दूसरे से रिलेटिव है। अब समझ में आ गया आपको? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्रैक्शंस के बारे में, जान लेना अति आवश्यक है। पहला बात है, फॉर रिफ्रैक्शन टू और मोर मीडियम, जब दो या दो से अधिक मीडियम रहेगा तो उसी को हेट्रोजीनियस मीडियम कहते हैं। फॉर रिफ्रैक्शन टू और मोर मीडियम इज नेसेसरी। लिखो, अपवर्तन के लिए दो या दो से अधिक माध्यम, ब्रैकेट में हेट्रोजीनियस मीडियम और समांगी माध्यम की जरूरत होती है, सेकेंड नंबर, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के दौरान
यहाँ ड्यू टू नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंजेज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की वेग बदलती है। हिंदी वाले लिखो, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की वेग बदलती है। यानी पहले मीडियम में वेग अलग है तो दूसरे मीडियम में भी अलग होगा, यानी वी वन बराबर नहीं रहेगा वी टू का। अलग में पहले मीडियम में अलग था तो दूसरे मीडियम में अलग, बढ़ सकता है या घट सकता है, डिपेंड्स ऑन रेयर है या डेंसर है, मतलब पक्की सड़क है या बालू, तुम सोच सकते हो। जैसे एक फिगर बना देते हैं, दो मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, ये रेयर डेंसर कर दो, ये रेयर है और ये डेंसर है। कोई लाइट आया किधर जाएगा, नॉर्मल चाहिए, अगर ये डेंसर नहीं रहता तो सीधे जाता, सीधे नहीं जाएगा, गाड़ी चलाओ, पक्की सड़क से आए, खपा ये चक्का फ्री हो गया, ये चक्का फ्री हो गया तो इधर मुड़ जाएगा, इसका मतलब इसको आना चाहिए इधर, इधर नहीं आके इधर चला गया, ये ओरिजिनल पाथ था, मिटा देते इसको। तो अगर इस मीडियम में वेलोसिटी वी वन है तो इसमें वेलोसिटी वी टू होगा, एक नहीं होगा। अब चलते हैं, द कलर ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, यहां ड्यूरिंग लिखना है, हिंदी वाले, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की रंग, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की रंग नहीं बदलता है। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे आएगा तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, अगर लाल रंग का कलर देंगे तो लाल ही आएगा, क्योंकि रंग डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स से, कौन सा सोर्स से वे प्रोड्यूस किया गया है, जब तक सोर्स नहीं बदलाएगा तब तक फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलाएगा, अलग अलग सोर्स का फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। दुनिया में कितना आदमी है पता है, 7 अरब आदमी है, किसी का भी गला का जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच नहीं करता, इससे भी आदमी को पकड़ा जा सकता है। तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है सोर्स पर, सोर्स चूंकि आदमी सब अलग अलग है, सोर्स अलग अलग हो गया, फ्रीक्वेंसी सबका अलग अलग होगा, जल्दी से मैच नहीं करता है। तो फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पर डिपेंड करता है कि लाइट कौन सा सोर्स से आ रहा है, स्रोत क्या है उसका, स्रोत अगर बदलेगा फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। तो आपने देखा, कलर ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की रंग नहीं बदलता है। यानी रंग यानी कलर जो होगा, नहीं बदलेगा। यानी यहां पर जो अगर रंग लाल है तो यहां पर भी ये लाल रंग ही होगा, अगर यहाँ लाल है ये तो ये इधर भी आया तो फिर भी क्या रहेगा, लाल ही रहेगा, नहीं बदलेगा। अब द वेव लेंथ जिसको लेमडा कहते हैं ऑफ लाइट चेंजेज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, लिखिए, अपवर्तन के दौरान,
अपवर्तन के दौरान तरंग दैर्ध्य, मतलब लेमडा ब्रैकेट में दे दो, बदलता है। अगर यहां लेमडा वन है, यहां अगर लेमडा वन है तो यहां पर लेमडा टू हो जाएगा, बदल जाता है वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ है, एक वाइब्रेशन में वेव जितना दूर जाता है, यानी एक साइकिल पूरा करने में वेव जितना दूर ट्रेवल करता है, उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। यानी यहां से यहां तक ले सकते हो एक वेवलेंथ, या यहां से बनाए नहीं पूरा। चलिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। अगला पॉइंट, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलता है। अगला, एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। 11th में पढ़ा होगा, बाकी पढ़ाएंगे। द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट चेंजेज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के दौरान प्रकाश की आयाम, प्रकाश की आयाम मतलब एम्पलीट्यूड बदलता है। फिगर बना के लिख सकते हैं, ये वेव को प्रोपिगेट करते हुए दिखाए। अगला, इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड इस मीडियम में ए वन है तो इस मीडियम में क्या हो जाएगा, ए टू हो जाएगा, बदल जाएगा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंजेज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। अगला पॉइंट, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की तीव्रता बदलती है। ये तो देख सकते हैं, टॉर्च जलाओगे पानी में, हवा में जितना रोशनी कर रहे थे, क्या पानी में उतना ही करेगा? नहीं करेगा, बदलेगा ही, ऑब्वियसली है। तो समझ में आ गया 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या बदलेगा? रंग नहीं बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगा, एम्पलीट्यूड बदलेगा, फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी कौन लिखे हैं? हाँ, यानी इस मीडियम में जितना होगा उतने होगा। इसका मतलब यहाँ अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है, न्यू से दिखाते हैं, तो यहाँ भी फ्रीक्वेंसी न्यू ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो समझ में आ गया, पॉज करके लिखो। एक बात बताता हूँ, जैसे सर कोई सरफेस है, रे आया, मान लो ये ग्लास का सरफेस ही है, रे आया, जितना एंगल है उतना एंगल बनाकर कुछ इधर भी चला जाता है और कुछ रिफ्रैक्ट भी होता है, कुछ एब्जॉर्ब भी होता है। लाइट का जो ये टोटल इंटेंसिटी है या टोटल एनर्जी यहाँ पर आके फॉल हुआ, तो कुछ ना कुछ ये एब्जॉर्ब कर लेता है। नहीं तो अगर मिरर पर कंटिन्यू लाइट फॉल होगा
कंटिन्यू लाइट मिरर पर पड़ता है तो मिरर गर्म हो जाता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया मिरर। अब उसके बाद वो जो जितना इंटेंसिटी लाइट का रिफ्लेक्ट होना चाहता है रिफ्लेक्ट कर देता है, जितना रिफ्रैक्ट होना चाहता है उसको रिफ्रैक्ट कर देता है। 100% ना तो रिफ्रैक्शन होता है ना ही 100% रिफ्लेक्शन होता है, ये 100% नहीं होता है, कभी भी नहीं। कुछ ना कुछ तो जरूर एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित कर लेता है, एनर्जी बर्बाद होता है। उसके बाद रिफ्लेक्शंस भी होने की चांस होता है और रिफ्रैक्शंस, इस दोनों प्रॉपर्टी में से जो ज्यादा डोमिनेट करता है, जो ज्यादा डोमिनेट करता है, हम लोग उसी का स्टडी करने लगते हैं और हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शंस हुआ। जैसे सपोज डेट तुमको घर से पढ़ने के लिए 5000 दिया, उसके बाद पर मंथ दे रहा है, मानो आईसी करते करते तुम्हें 2 लाख दिया, क्या हुआ 2 लाख तुमने पढ़ाई पर ही खर्च किया, खाया भी घुमा भी फिरा भी, लेकिन तुम अपने गार्जियन से पूछना वो कहेगा कि 2 लाख दिए तुमको पढ़ाने में, क्या पढ़ने में लगा था सब? आंसर है सारा पैसा पढ़ाई में ही खर्च नहीं हुआ था, लेकिन ज्यादा डोमिनेट किया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसा जो था तुम्हारा वो पढ़ाई में खर्च हुआ था, इसीलिए गिनती किसका आ गया, पढ़ाई का ही आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए एक साथ बहुत सारे घटना घटता है, जो घटना ज्यादा डोमिनेट करता है हम लोग उसी को पढ़ने लगते हैं। 100% कुछ भी नहीं है, और अभी तक का जो फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं सब ये जनरल रूल है, एक आइडिया तुम्हारे मन में आ सकता है कि ये हो सकता है, लेकिन उसमें त्रुटि रहता है, हमेशा त्रुटि ही है रहता है, फिर धीरे धीरे हायर क्लास में जाएंगे फिर उसका सुधार होता है, नए नए थ्योरी फिर से आते रहता है। बस थैंक यू, अब फिर मिलेंगे कल, पढ़िए।